हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों फिर आज रहे आपका जेके एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है वो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करता हूँ, आपको सीधा लेके चलता हूँ और बताता हूँ आपको किस तरीके से बचना है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अगर पीछे से कोई लॉक लगाता है इस तरीके से, तो उसको किस तरीके से आप तोड़ सकते हो, उस लॉक से किस तरीके से बच सकते हो। मैंने अक्सर देखा है दोस्तों कि कोई भी जो बंदा है वो बहुत आसानी से, आप बताओ इधर से पलट जाओ, ठीक है इस तरीके से दोस्तों, और ये लॉक इस तरीके से लगा देता है और इस तरीके से झुकाने की कोशिश करता है। देखिए दोस्तों इस तरीके से जो लॉक है वो लगा दिया जाता है। अब जिस बंदे को ज्ञान नहीं है दोस्तों, वो क्या होता है, इस लॉक से लॉक हो जाता है और सामने वाले के जो बंदे की बात है वो मानने लग जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप, बंदा अगर आपको लॉक लगाता है तो बिल्कुल आसानी से आप उसका लॉक तोड़ सकते हो। तो आपको बता रहा हूँ, आप लॉक लगाओ पीछे से, ठीक है लॉक लगाओ, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों इस तरीके से अगर लॉक लगाया है, अब ये तो सिंपल है कि इन्हें सिर्फ पकड़ा है, थोड़ा सा जोर लगाओ नीचे झुकाने की कोशिश करो। देखिए दोस्तों इस तरीके से जब बंदा हमको झुकाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब वो ताकत लगाता है तो 100% दोस्तों हमको नीचे झुकाएगा। अब हमने झुकाया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हाथ है बंदे के उसको हम पहले तो इस तरीके से जकड़ने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा पैर है दोस्तों, याद रखिए इस साइड का जो हमारा पैर है, ये हम बंदे के, ये हमने हाथ पकड़ लिया इस साइड से दोस्तों, इस तरीके से लॉक करा, ये पैर हम बंदे के इस तरीके से पीछे ले जाएंगे। याद रखिए इस तरीके से आपको पीछे ले जाना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको बता रहा हूँ सिंपल, आप बिल्कुल स्पीड से क्या करना है आपको, इस तरीके से ये मूवमेंट कर देना है, तो बंदे की जो पकड़ है दोस्तों वो छूट जाएगी और बंदा जो है वो ज़मीन पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आप दोस्त यार में मजाक में कर रहे हो तो इस तरीके का जो लॉक है वो ना तोड़े। फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको फिर बता रहा हूँ, पकड़ो, ये पकड़ा है दोस्तों, ये हमने लॉक करा, ये पैर पीछे डाला, आपको क्या करना है, पूरा एक साथ पूरी बॉडी का ताकत लगा के इस तरीके से बंदे को झटका मार देना है, ठीक है, गिरे तो नहीं। हाँ तो दोस्तों देखिए मैंने इनको गिरने नहीं दिया है, क्योंकि इनको चोट लग सकती है, इसीलिए मैं इनका हाथ खुद पकड़ रहा हूँ ताकि ये ना गिरे। अब दोस्तों आपको इसकी सेकंड टेक्निक बताता हूँ कि ये किस तरीके से बच सकते हो, सेकंड टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है पकड़ो। देखिए दोस्तों इस तरीके से इन्हें लॉक लगाया, ताकत लगाओ, ये ताकत लगाई दोस्तों। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये पैर हम फिर उसके बंदे के पीछे डालेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये पैर पीछे डाला, अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों हाथ हमारे खाली है ये हम यहीं के हैं और झुक जाएंगे दोस्तों, और ये जो बंदे के पैर है इस पैर को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, झटके से इस तरीके से उड़ जाना है। देखिए अब ये बंदा हमारे पकड़ में है, हम चाहे तो ज़मीन पे पटक सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों हमने इनको साथ में लाया है तो हम इन पर अटैक नहीं कर रहे। लेकिन जब बंदे को हमने पूरा उठा लिया है फिर हम चाहे तो कितने भी अटैक कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से अटैक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर अब कई बार मुझे इस तरीके से कमेंट आते हैं कि मान लो मैं एक कमज़ोर बंदा हूँ और जो बंदे ने हमको लॉक लगाया है वो बंदा थोड़ा हैवी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बंदा जो है वो उसको उठा नहीं पाता है। मान लो मैं कमज़ोर हूँ, बंदा हैवी है और फिर हमें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं इनको उठा नहीं पाऊँगा। उसके लिए आपको बता रहा हूँ सिंपल टेक्निक है, बिल्कुल आसानी से, कितना भी कमज़ोर बंदा हो, पकड़ने वाला कितना भी हैवी बंदा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बता रहा हूँ, पकड़ो लॉक लगाओ, ये लॉक लगाया दोस्तों, देखिए इस तरीके से लॉक लगाया है, अब झुकाओ ताकत लगाओ, ठीक है ये ताकत लगे दोस्तों। देखिए बंदा जब दोस्तों ताकत लगाएगा तो 100% वो हमको नीचे झुकाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा आपका जो बॉडी है उसको सिर्फ इस साइड से ऐसा करना है एक साइड। अब देखिए ये जो हाथ है आपको बिल्कुल इस तरीके से अटैक कर देना है, याद रखिए कहाँ पे अटैक कर रहे हो आप ध्यान दीजिए, जो इंसान का सबसे नाजुक पॉइंट होता है हम वहीं पे अटैक कर रहे हैं इस तरीके से, याद रखिए इस तरीके से हमको अटैक करना है। ये अटैक जब भी करे, जब कोई आपका दुश्मन आपको लॉक लगाता है तभी अटैक करे, नहीं तो दोस्तों ये अटैक जो है वो ना करे। फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है लगाओ ताकत लगाओ, ठीक है ये दवाई दोस्तों, ये हम खस के और हमने ये अटैक किया। देखिए इस तरीके से जो बंदे की पकड़ है वो 100% छूट जाती है।
कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है दोस्तों, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से जो है वो ये सब चीज़ें कर पाओगे। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इनको फेंक के इसलिए नहीं बता पाता हूँ क्योंकि इनको चोट लग सकती है। यही कारण है दोस्तों कि मैं ये चीज़ें बिल्कुल सोलो में बताता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आए। अब दोस्तों यही चीज़ मैं आपको फास्ट बताता हूँ कि किस तरीके से अगर कोई लॉक लगाता है तो किस तरीके से आप बच सकते हो। ठीक है, लॉक लगाओ पीछे से। ये लगाया दोस्तों, टिकटा कर लगाओ। ठीक है, ये दोस्तों एक सेकंड में दोस्तों जो बंदा है वो ज़मीन पे आ सकता है, लेकिन मैंने इनको अभी इसलिए नहीं फेंका है क्योंकि चोट लग सकती है। इनको मैं खुद पकड़ रहा हूँ ताकि ये ना गिरे। दूसरे बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, लॉक लगाओ, ताकत लगाओ। ये करा दोस्तों, ये हमने गए, ये बताओ दोस्तों कितना टाइम लगा दोस्तों इनको हवा में लाने में। अब मैं चाहूँ तो इनको पटक सकता हूँ, पट सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सेकेंड टेक्निक। थर्ड टेक्निक में आपको बता रहा हूँ क्या करना है। लॉक लगाओ पीछे से, ठीक है, ताकत लगाओ। ये करा दोस्तों, ये हम हटे और ये अटैक किया। ओनली दोस्तों आपको 2 से 3 सेकेंड लगेंगे, बंदे की कितनी भी पकड़ हो, दमदार पकड़ हो, 100% जो है वो छूट जाएगी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कोई भी चीज़ का वीडियो चाहते हो तो कमेंट करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।